नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा डिमांडेड वीडियो है साथी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी जो हम सीरीज चला रहे हैं वो इंग्लिश के लिए चल रही है कि बिगिनर्स को इंग्लिश के लिए क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, तो उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं साथियों कि इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट टीचर कौन है, जो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पहुंचा सकता है साथियों, और बिल्कुल फ्री में होगी, बिना कोई फीस दिए, बिल्कुल यूट्यूब से आप पूरा ग्रामर, पूरा वोकैब और पूरा प्रैक्टिस किसके साथ कर सकते हैं साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा टीचर कौन है, किससे आपको पढ़ना चाहिए जिससे आपका इंग्लिश जो है वो काफी इंप्रूव हो जाए और कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले और कहीं ना कहीं आप पूर्णांक तक पहुंच सके साथियों। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा टीचर कौन है, कौन आपको एक अच्छा गाइडेंस दे सकता है, कौन आपको एक कंटेंट ऐसा दे सकता है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, और किसके कंटेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ड होते हैं साथियों। तो आज की यह सारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जितने भी मेरे भाई बिगिनर हैं, आप सभी इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डाउट आप सभी के होते हैं मैं उसको लेकर चलता हूँ और सभी को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ साथियों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक बिगिनर एस्पिरेंट के मन में कितने सारे डाउट हो सकते हैं और वो क्या क्या चीजें सोच सकता है साथियों। तो वो सारे डाउट मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो डिपेंड है इंग्लिश के बेस्ट टीचर पे, वो किससे पढ़ना चाहिए साथियों। तो दोस्तों, इंग्लिश के लिए बहुत सारे टीचर यूट्यूब से लेकर अपने अपने ऐप पर मौजूद है साथियों, और हम सभी को इंग्लिश पढ़ने के लिए टीचर से कमी नहीं है साथियों। बात ये आ जाती है कि कौन टीचर ऐसा है जो उनको एकदम बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक पहुंचा सकता है, और वो भी बिल्कुल फ्री साथियों, क्योंकि मैं जितनी बातें करता हूँ वो फ्री की ही करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक मिनट क्लास फैमिली का जो स्टूडेंट होता है उसके लिए कोई भी पैसा खर्च करना कितनी बड़ी बात होती है साथियों। तो आज के वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो एक ऐसे टीचर के बारे में करेंगे जो आपको कम्प्लीटली फ्री यूट्यूब पे पूरा ग्रामर, पूरा प्रैक्टिस, पूरा वोकैब, पूरा कॉम्प्रिहेंशन, जितने चीजें इंग्लिश में होती है, जितने सेक्शन उन सभी को कवर कराया हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रानी मैम के बारे में, जिनका यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद रानी मैम साथियों। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे कम्प्लीटली पूरा ग्रामर करवा रखा है, कम्प्लीटली पूरा अपना वोकैब करा रखा है, प्रैक्टिस भी करा रखा है, यानी उन्होंने सबसे पहले आपको ग्रामर में मजबूत बनाया है, इसके बाद आपको वोकैब भी मजबूत बनाया है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करके एकदम से मजबूत कर दिया साथियों। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि केवल रूल्स रट लेने से कभी हमारे एक नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि जब तक उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना क्वेश्चन पे हमको नहीं आएगा, वो रूल्स भी किसी लायक नहीं है, किसी मतलब के नहीं है साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रानी मैम के यूट्यूब चैनल के बारे में साथियों, जिसको फॉलो करके अगर आपके 10 नंबर आ रहे हैं, अगर आप उनके कंटेंट को फॉलो कर रहे हो, उनके प्रैक्टिस सेशन को फॉलो कर रहे हो, तो आपके नंबर 50 तक आ सकते हैं साथियों। और साथियों, आप सभी जान रहे हैं कि जो रानी मैम है उन्होंने अपने यूट्यूब पर, मेरे बगल में जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है साथियों, A to Z ग्रामर बैच साथी, उसमें उन्होंने पूरा ग्रामर करा रखा है। इसके अलावा 60 गोल्डन रूल रानी मैम ने कराए हैं साथियों, ये ऐसे रूल 60 गोल्डन रूल हैं, अगर आपके पास कम टाइम है, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो लास्ट टाइम में, अगर आपको पूरा ग्रामर रिवाइज करके जाना है, अगर मान लीजिए आपका पेपर कल है, आप पूरा ग्रामर रिवाइज करना चाहते हो साथियों, तो 11 घंटे की ये वीडियो में आप पूरा सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं, पूरे ग्रामर रूल। और साथियों, इस 60 ग्रामर रूल में वही ग्रामर रूल है जिनके इर्द गिर्द एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है साथियों, क्योंकि ग्रामर तो बहुत बड़ा सेक्शन है जिसमें रूल्स की कोई कमी नहीं है साथियों। तो ये 60 ग्रामर रूल्स ऐसे रूल्स हैं जिनसे एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है और इन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है साथियों। इसमें रानी हमने बहुत मेहनत करके उन्हीं चुनिंदा रूल्स को कराया है जिनसे एसएससी क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर पूछ रहा है साथियों। अब साथियों, हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले आपको रानी मैम के इस 60 जो ग्रामर रूल्स हैं, चाहे इनको करना है, चाहे A to Z ग्रामर बैच आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो पूरा A to Z ग्रामर बैच कंप्लीट करिए। इससे क्या होगा, आपकी बेसिक अच्छी होगी, साथ में ग्रामर पे आपकी अच्छी पकड़ बनेगी, रूल्स पे आपकी अच्छी पकड़ बनेगी, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी साथियों। अब इसके बाद आपको क्या करना है साथियों, रानी मैम का जो A to Z प्रैक्टिस सेशन है उसको फॉलो करना है, साथ में जितने भी प्रैक्टिस कराती हैं अपने चैनल पे उन सभी को प्रैक्टिस करते हुए चलना है, क्योंकि साथियों बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उनको रूल्स से जो क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन जब उनको प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं तो वो चीजें हमको ज्यादा क्लियर हो जाती हैं और वो ज्यादा हमको समझ में आती है साथियों। तो सबसे पहले आपको A to Z इनका ग्रामर बैच फॉलो करना है, पूरा प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, जो आपको लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे साथियों। बिना नोट्स के कोई पढ़ाई नहीं होती। देखिए, आपने ऑल इंडिया रैंक 1 का भी वीडियो देखा होगा, सभी की टॉपर की वीडियो देखेंगे, सभी ने नोट्स बना रखे होते हैं। नोट्स आपको जरूर बनाना है, किसी के कहने में नहीं आना है कि नोट्स ना बनाओ, केवल आप पढ़ते चलो, नोट्स आपको जरूर बनाना है। इसके बाद आपको A to Z प्रैक्टिस बैच में जाना है, पूरी कंप्लीटली प्रैक्टिस करनी है और उन रूल्स को अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करना है साथियों। अब प्रैक्टिस का जो ये पूरा सीरीज है A to Z प्रैक्टिस बैच, उसके नोट्स नहीं बनाने, उसमें आपको क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन सामने आता है आपको, सामने आपको वीडियो रोकना है, इसमें पहले खुद देखना है कि गलती कहां पे किस पार्ट में है,
इसके बाद आपको अपने मन में रख लेना कि मेरे तरफ से ये गलती है। फिर रानी मैम जब आपको एक्सप्लेन करेंगी, अगर आपका आंसर सही आता है तो मतलब आप अप्लाई अपने रूल्स को कर पा रहे हो, अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो आप उसको समझिए कि क्यों गलत हुआ, क्या चीजें से इंप्रूव करने की जरूरत थी। साथियों इस तरीके से एक स्मार्ट स्टडी की जाती है आज के जमाने में। अगर आप प्रैक्टिस के भी नोट्स बनाएंगे तो ये गलत बात है, नोट्स आपको केवल रूल्स के बनाते हैं। अब साथियों बात आ जाती है यहाँ पर वोकैब की। साथियों वोकैब के लिए जो सबसे फेमस बुक है साथियों वो है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सारा कंपाइलेशन किया गया। सबसे जबरदस्त बुक है, सस्ती की फील्ड में सबसे ज्यादा जानी मानी बुक है साथियों। तो आपको वो बुक लेनी है, साथ में जो आपके रानी मैम ने करवा रखे हैं आपका ए टू जेड पूरा वोकैब बैच साथियों, उसको फॉलो करते चलना। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कोई वोकैब नहीं याद होता, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो खुद वोकैब नहीं याद कर पाते लेकिन निमोनिक्स के जरिए याद कर लेते हैं, तो रानी मैम इसमें निमोनिक्स भी बताते चलिए जिससे आपको उसको याद करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। इसके अलावा इन्होंने अपनी ऑडियो बुक निकाली है वोकैब की, जिसको आप सुन सकते हैं, बहुत लोग को ऐसा होता है कि सुन सुन के याद हो जाता है। इसके अलावा आप बहुत सारी इनकी ई बुक आती है उसको परचेस कर सकते हैं 20-21 रुपए साथियों। तो ये सब तो अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको रानी मैम को थ्रोली फॉलो करना है। कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं, किसी के झांसे में फंसने की जरूरत नहीं, आप पूरा ग्रामर इनके यूट्यूब चैनल से कवर कर सकते हो अच्छे तरीके से, ए टू जेड ग्रामर बैच। इसका प्लेलिस्ट मैं आपको लिंक इसका है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद ए टू जेड प्रैक्टिस बैच, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ए टू जेड वोकैब बैच, इसका आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा साथियों। अब कुछ चीजें इंग्लिश में ऐसी आती है साथियों जिनमें नंबर कटने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जिनमें आपकी रीडिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने कल आपको जो वीडियो बनाकर डाला था उसे मैंने यही बताया था कि ज्यादातर क्वेश्चन आपके ग्रामर में ऐसे आते हैं जिनको हम अंडरस्टैंडिंग के दम पे बना सकते हैं साथियों, और वो अंडरस्टैंडिंग आएगी रीडिंग से। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सारी वीडियो आप मेरी देखते चलिए क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है साथियों। तो आपको ये सारी चीजें करती चलनी है साथियों। अब जब प्रैक्टिस आप कर लोगे अच्छे से तो आपका जो है आपके जो आपने रूल्स याद कर रखे हैं क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे तो वो आपके रूल पक्के होते चलेंगे साथियों। तो ये सारी चीजों का मैं वीडियोस का प्लेलिस्ट का जो है जितने भी मैं लिखे हैं आपको सब अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इन सारी वीडियोस को आप देखिए, फॉलो करिए, अगर आपको अच्छा लगेगा और इनके कॉन्टेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप उस पर जाकर कॉमेंट करिएगा, एक प्यारा सा कॉमेंट वहां करिएगा। साथ में मुझे आप मेरे वीडियो के नीचे आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ में वो आपका बहुत सारी प्लेलिस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ उनके कंटेंट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और भी दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करिएगा। साथियों बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन मैं रानी मैम को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एकदम बेसिक से चीजें उठाती हैं और एकदम एडवांस तक लेकर जाती हैं, इससे आपके बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी साथियों। तो इस वीडियो को और भी दोस्तों तक शेयर करिएगा, जो भी बिगिनर है आपके दोस्त या फिर आपके भाई कोई भी हो। साथ में आप जिस भी वीडियो को देखिएगा साथियों उस पर मेरे चैनल का नाम जरूर आप डालिएगा, जिससे मुझे ये पता होगा कि मेरे तरफ से रिकमेंड किया हुआ ये वीडियो आप देखने गए हैं साथियों। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो जो मैंने आपको बताया इसको आप फॉलो करिएगा। इसके अलावा आप में जो और डाउट है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा साथियों, और आप रानी मैम को एक बार मेरे कहने में फॉलो कीजिए, फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर बने रहिए ऐसी नई वीडियोज के लिए। इसके अलावा जो भी आपकी और डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सारे आपके डाउट को क्लियर करते हुए चलूंगा। तो दोस्तों फिर मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।